पुराने वक्तों में मुसलमान, आज भी कई मुल्कों में रिवाज है, आज भी। मैं एक दफा अलजायर गया, मराकेश, लेबिया, इन मुल्कों में, तो मालूम हुआ कि सुबह 10 बजे लोग जुमे वाले दिन मस्जिद में जा रहे हैं। बल्कि सऊदी अरब के रियाद शहर में भी एक दफा मैं जुमे में था, तो 10 बजे लोग मस्जिद में बैठे हैं, 10:30-11 बजे के बाद मस्जिद में जगह नहीं मिली। जुमे वाले दिन मस्जिदों में सूरह कहफ को पढ़ने का बकायदा बंदोबस्त होता है। कई मस्जिदों में इमाम सूरह कहफ पढ़ता है, लोग सुनते हैं, और कई मस्जिदों में हर नमाजी कुरान लेकर बैठा है और वो सूरह कहफ की तिलावत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुमे वाले दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है वो पूरा हफ्ता हर फितने से महफूज रहता है, हर शर हर बला से महफूज रहता है। हत्ता कि अगर उस हफ्ते में दज्जाल का फितना भी आ गया तो अल्लाह पाक इसको दज्जाल के फितने से भी महफूज रखे। फरमाया, जब वो सूरह कहफ की तिलावत करता है तो जमीन से एक नूर आसमान की तरफ जाता, वो सारा हफ्ता नूर उसके सर पे सलामत रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे वाले दिन फजर की नमाज की पहली रकात में सूरह सजदा की तिलावत फरमाते थे, जिसमें एक सजदा फालतू होता था तिलावत का, और दूसरी रकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह दहर की तिलावत फरमाते थे। इहतिमाम होता था सहाबा किराम। फिर बाद मस्जिदों में 10 बजे आकर लोग सलातो तस्बीह पढ़ते हैं जुमे वाले दिन। हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत मिलती है कि रोजाना नहीं कर सकते हो तो कम से कम जुमे वाले दिन सलातो तस्बीह पढ़ो, जुमे वाले दिन नहीं कर सकते हो तो महीने में एक बार पढ़ो, महीने में नहीं पढ़ सकते हो तो साल में एक बार पढ़ो, साल में भी नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम जिंदगी में तो एक बार पढ़ लो। उनके यहां जुमे वाले दिन सलातो तस्बीह का एहतमाम होता, और फिर हर मस्जिद में 300 बार हर नमाजी बैठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद पढ़ता। अभी हम लोग गए हुए थे उज़्बेकिस्तान, वहां भी बाज मस्जिदों में यह रिवाज देखा कि 12 बजे के बाद आपको मस्जिद में जगह नहीं मिलती, लोग 10 बजे आ जाते। और बाज मस्जिदों में यह रिवाज भी देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रात को इशा की नमाज पढ़ के सोने से पहले अगर कोई सूरह तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क को पढ़कर सोने की आदत बना ले, कब्र में अजाब नहीं आएगा। यह मेरे पाक नबी का फरमान है। अजाब आएगा भी सही तो यह सूरत दीवार बन के सामने खड़ी हो जाती है, परे हो जा ये मेरा पढ़ने वाला है। फिर वो सूरत अल्लाह के सामने सिफारिश करती है, अल्लाह ये मुझे पढ़ता रहा, मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। अल्लाह उस सूरत की सिफारिश को कबूल फरमा कर अजाब कब्र से उस मैयत को महफूज कर देते। कई मस्जिदों में रिवाज देखा नमाजी नहीं निकलते ईशा पढ़ के, बैठते हैं सारे सूरह तबारक अल्लज़ी पढ़ के उठते हैं, और अगर कहीं नमाजियों को नहीं आती तो इमाम साहब ईशा की नमाज के बाद वितरों से नफलों से फारिग होकर सूरह तबारक अल्लज़ी स्पीकर में पढ़ता है, सारे नमाजी सुनते हैं, उसके बाद नमाजी मस्जिद से जूता पहन के वापस निकलते हैं। ये मैंने खुद उज़्बेकिस्तान में, अभी भी कई जगह पर मुझसे सूरह तबारक अल्लज़ी पढ़ाई गई, आप पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ी, सारी दुनिया बैठ के सुनती रही। हम लोग इंतजार में होते हैं खुतबा कब शुरू होगा, उस वक्त मस्जिद में जाना है, बयान कब खत्म हो जाएगा उस वक्त मस्जिद में जाना है, ताकि हम जाएं अल्लाहु अकबर नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के जूता पहने वापस भागे। बस मेरे दोस्तों, अल्लाह को पसंद नहीं,